हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अभिषेक जोशी और भारत से निकलकर मैं यूएई पहुंच चुका हूं। दुबई में घूम रहा हूं और दुबई में हम इस वक्त सिटी टूर पर हैं। मैं मेरी फैमिली के साथ घूम रहा हूं और ये आपको दिखाता हूं दुबई सिटी किस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहां पर बनी हुई है। टोटल इसी तरह की बिल्डिंग्स आपको पूरी दुबई में मिलेगी। ये देखिए, मेट्रो चल रही है यहाँ पर। इसी तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इन बिल्डिंग्स के बीच यहाँ पर बहुत खूबसूरत शहर ये बसा हुआ है। रात को इसको देखने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन ये सारी बात कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको, मेरे साथ जो हमें आज यहाँ घुमाने लाए हैं, उनसे मिलवाता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। ये क्या हाल है, सब ठीक ठाक हो? या इनका नाम मोहम्मद रिजवान है। ये हमें आज सुबह से घुमा रहे हैं गाड़ी में, तो मैंने सोचा था कुछ अच्छा मौका मिले तो मैं इनसे बात करूंगा। ये भी दिखाओ, ये पूरा, ये देखिए, ये बहुत ही दुबई का सबसे अच्छा बाजार है। मतलब ये पूरा सिटी है ये। हाँ, यहाँ इसका नाम है शेख जायद रोड। या किस तरह की रोड है ये? ये है शेख जायद रोड। हाँ, यहाँ पे सारे होटल्स हैं। हाँ, इसको कहते हैं बिजनेस बे डाउनटाउन, ये इस जगह का नाम है। अब आगे आने वाली है फ्यूचर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, वो सामने है। हाँ, ये जो फ्यूचर म्यूजियम है ये आए, उससे पहले वो दिखाऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर 2027 में दुबई, ओके 2072 में दुबई कैसा होगा ये यहाँ बताया हुआ है इस फ्यूचर मॉल में। वो फ्यूचर मॉल आए उससे पहले फ्यूचर म्यूजियम, ओके फ्यूचर म्यूजियम में किस तरह का दुबई होगा 2072 में, यानी 2072 में दुबई कैसा होगा वो यहाँ पर दिखाया। और आप YouTube पे भी इसे देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों। ये देखिए, ये फ्यूचर म्यूजियम है। क्या लिखा है इसमें? ये है, ये शेख हमदान की शायरी है, उसकी पोएट्री है इस पे जो लिखी है। दुबई आए और यहाँ नहीं घूमे तो क्या किया, इसलिए हम दुबई आए और यहाँ घूमे तो हमने कुछ किया। अब हमारा लक्ष्य है वो दुबई फ्रेम हो जाए। अब हम यहाँ से दुबई फ्रेम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनसे मिलवा दूँ आपको कि कहाँ से हैं भैया आप? मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा नाम रिजवान है। दुबई में 5 साल से रह रहा हूँ, टूरिज्म का काम करता हूँ, आप जैसे लोगों को यहाँ पे घुमाता हूँ। यहाँ पर जितने भी मोस्टली टूरिज्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जी, वो ज़्यादातर सब आपको पाकिस्तान से ही मिलेंगे, क्योंकि टूरिज्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो जो लोगों को घुमाने का काम करते हैं। क्योंकि मुझे मेरे इस टूर पर ये सेकंड मेरे साथी हैं, पहले साथी जो मुझे मिले थे वो भी पाकिस्तान से थे, और ये दूसरे साथी मुझे मिले हैं ये भी पाकिस्तान से हैं। और यहाँ का मैं इनसे कुछ जानना चाहेंगे, कुछ बात करेंगे। यहाँ का जो हमने देखा अभी इतनी देर में, एक तो ट्रैफिक बहुत व्यवस्थित चलता है, कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर नहीं आता कभी भी, किसी चौराहे पे यहाँ खड़े ही नहीं रहते हैं, क्या कारण है भैया? यहाँ पे क्राइम नहीं होते हैं। दुबई इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं है। यहाँ आपको चेक पोस्ट ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे कैमरे कंट्रोल से है। तो इसी वजह से जहाँ क्राइम होता है वहाँ पे हर जगह पे पुलिस होते हैं, तो यहाँ पे क्राइम नहीं होते, इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दुबई बहुत सेफ है, इसी वजह से पुलिस नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि रोडों पे घूमते हैं या किसी का तलाशी लेते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पर पुलिस नज़र नहीं आती है। और लोग भी काफ़ी अवेयर हैं, मतलब इस पूरे रूट पर अभी हम इतनी देर से चल रहे हैं, जैसा भैया ने मुझे अभी बताया था कि यहाँ पे मैंने किसी भी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुना, हॉर्न नहीं सुना। अब ये अगर मैं इंडिया में बात करूं तो बिना हॉर्न के इंडिया में गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हम आधी दुबई घूम चुके हैं लेकिन हॉर्न नहीं सुना तो नहीं सुना। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत नीट एंड क्लीन सिटी। और
आप यहाँ पर कितने 4-5 साल से आप यहाँ पर हैं? मैं 5 साल से हूँ यहाँ। तो फैमिली की याद नहीं आती है? फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली की याद आती है, भाई बहन भी है, माँ बाप भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी है। मैं अभी आया हूँ तकरीबन मेरा 20 दिन हो गए, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, 3 महीने गुजार के मैं अभी आया। तो कितने आप 5 साल से यहाँ पर है, फैमिली को यहाँ लाने का विचार में नहीं है? इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम है, लेके आएंगे जी। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं जल्दी आप फैमिली को लेकर यहाँ आ जाएं, क्योंकि अच्छा काम करते हैं और बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ घुमाते हैं, दुबई दिखाते हैं, जो अपने साथ यहाँ की यादें हमेशा के लिए संजो कर अपने मोबाइल में लेकर चले जाते हैं और उसके बाद यदा कदा अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर फ़ोटो को आगे पीछे करके देखते हैं और याद करते हैं कि हम दुबई गए थे, हम इस होटल में ठहरे थे, हमें ये मिला था, हमें वो मिला था। लेकिन दोस्तों, जीवन के सफ़र में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें किसी मोड़ पर मिलते हैं और हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो मुझे लगता है हमारा भी नेचर इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि कल को जब हम हमारे इंडिया चले जाएंगे, ये भैया यहीं पर इन्हीं का काम कर रहे होंगे, या कभी ये पाकिस्तान जाएंगे तो क्या पता इन्हें कभी यूँ याद आ जाएगा, यार मेरे को इतने टूरिस्ट मिलते हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई अच्छा टूरिस्ट भी मिलता है, तो क्या पता मैं याद रह जाऊँ। ये देखिए, ये दुबई फ्रेम है, हम अभी यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके आएंगे तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड जरूर करूँगा, अपडेट करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरह का है ये, क्या चीज़ है भैया। अब इससे आप दोनों साइड दुबई देख सकते हो, ओल्ड दुबई भी, न्यू दुबई भी। अच्छा, अब ये इसके ऊपर आप चढ़ोगे लिफ्ट से तो ऊपर आप पूरा व्यू देखोगे दुबई का। तो अब हमें वहाँ जाना है, स्टॉपेज आ गया है, मोबाइल बंद करना पड़ेगा, वीडियो बंद करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह का फ्रेम है, किस तरह की दुबई दिखती है, वो वीडियो भी अपलोड करेंगे। आज इंडिया से निकलकर मैं यूएई और उसके दुबई में भी यहाँ पर रिपोर्टिंग का वो छूट नहीं रहा है, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं, तो मैंने वीडियो बना ही लिया। ब्लॉगिंग में नहीं करता, लेकिन ब्लॉग मुझे बनाना भी नहीं था, लेकिन बना लिया। मैंने कहा ये यादें हैं, ये साथ जाती है, कभी आप भी, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, कभी आप यहाँ आए तो हो सकता है आपको भी कुछ चीज़ देखने को मिले कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर अपडेट करूँगा अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए आपके अपने अभिषेक जोशी के साथ। नमस्कार।